सो हाय फ्रेंड्स, आई एम शुभ एंड यू आर वाचिंग SR7 एंड्रो टेक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, अभी अभी एक और इवेंट आया है, एंशिएंट सीक्रेट रिडीम रिवॉर्ड। ये वाला इवेंट काफ़ी बहुत बढ़िया इवेंट है वाला, और इसमें हमें सही में कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और कई सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। और ये आज ही आया, और ये 14 अगस्त तक है ये 14 अगस्त तक है इवेंट। और इसमें हम 10 AG पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं 15 बार, मतलब 15 बार, मतलब कम से कम 150 का राउंड हम AG पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। यहाँ से हम सप्लाई क्रेट कूपन जो है ये वाला, इसे हम 10 बार कर सकते हैं। RP पॉइंट को हम 5 बार रिडीम कर सकते हैं। और ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये पैराशूट है, ये जो अभी आया है एंशिएंट सीक्रेट मोड के लिए स्पेशली। ये जो पैराशूट की इसकी ना सबसे बढ़िया ये है, पर ये हमें टेम्प्रेरी मिल रही है, ये हमें टेम्प्रेरी मिल रही है 2 डेज के अराउंड, मतलब इसकी जो तो ड्यूरेशन है वो 2 डेज है। और आप इसे थ्री टाइम मतलब क्लेम कर सकते हैं, मतलब रिडीम कर सकते हैं 3 बार, और 3 बार रिडीम कर सकते हैं, मतलब कि टोटल 6 डेज हो गए। आप इसे 6 डेज तक यूज़ कर सकते हैं अगर आप 3 बार रिडीम करते तो। और इसके अंदर हमें एक टाइटल भी मिल रहा है, ये जो टाइटल है हमें ये टाइटल भी मिल रहा है। और ये जो टाइटल है हमें कुछ समय के लिए मिल रहा है, मतलब 30 डेज के लिए मिल रहा है, और ये काफ़ी मस्त है मतलब ये टाइटल भी। तो फ्रेंड, ये तो रिवॉर्ड थे जो हमें मिलेंगे। अब मैं आपको मेन ये बताता हूँ कि ये आपको कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इन्हें ढूंढने में काफ़ी टाइम लग रहा है और काफ़ी मतलब मुश्किल भी लग रही है इन्हें ढूंढने में। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ये आपको कहाँ पे मिलेंगे। सो फ्रेंड, जब आप मैच स्टार्ट करोगे इस एंगल का, तो आपको ये दिखेंगे, मतलब स्टार्ट होने से पहले आपको ये दिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इनके पास जाना है और ओपन करना है। तो अब जैसे ही ओपन करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ आपको मिलेगी, और ये एक ही मिलती है एक मैच में, ये जो क्रेट है, तो ये आपको एक ही मिलेगी एक मैच में। तो आपको मतलब जितने चाहिए तो उतने मैच खेलने पड़ेंगे, ये आपको 1 टाइम ही मिलेगी, मतलब एक ही बार मिलेगी मैच के अंदर। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कीज़ के बारे में, जो फेरोस कीज है उसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि उसके बिना वो आपको कीज नहीं मिलेंगी। तो इस वीडियो को स्किप मत करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, मेन जो चीज़ है वो है की। तो कई लोगों को की नहीं मिल रही थी और उनका मतलब पता नहीं चल रहा था की कहाँ से लेनी है, कहाँ से मतलब इन्हें कलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर आना है पोचिंग की में, इस जगह पर। तो आपको ये चेयर सी मिलेगी, और आपको इसमें यहाँ पे यूज़ पे क्लिक करना है। हाँ, तो अब जैसे ही इसे पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। हाँ, तो इसे क्लिक करते ही ये देखो, आपको ये की भी मिल गई, फेरोस क्रेट की भी मिल गई है, और ये मैंने क्रेट का आपको बता ही दिया है। सो फ्रेंड, ये ऐसे मिलती है। तो ये एक तो पोचिंग की में है, पोचिंग की में जैसा आप जंगे देख सकते हो। और मैं आपको 2-3 लोकेशन और बताता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। सो फ्रेंड, एक और जो चेयर है वो हमें मिल चुकी है, और ये जो है ये स्कूल की छत पर मिलेगी आपको, जो मेन बिल्डिंग है, जो मेन बिल्डिंग है उसकी छत पर मिलेगी, बिल्कुल ऊपर आना है। और यहाँ पे भी आपको सेम ही करना है। अच्छा, एंड दबाना पड़ेगा कर। चलो, तो देखो हमें एक और चीज़ मिल चुकी है। अच्छा, ये भी शायद एक मैच में एक ही मिलेगा। अच्छा, ये क्रेट की भी हमें एक मैच में एक ही बार मिलेगी। मैं सोचा कि अलग अलग जगह पे शायद हमें एक से ज़्यादा मिल जाएगी एक ही बार में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 तो लिखा नहीं आ रहा, तो शायद ये एक बार में एक ही मिलेगी। सो फ्रेंड, जो थर्ड प्लेस है फेरोस की के लिए, मतलब जो आपको थर्ड मिलेगी वो ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मिलेगा। तो ये देखो, हमें एक और चेयर मिल गई, और ये मिलिट्री के ऊपर है। तो ये मिलिट्री के ऊपर है, और फ्रेंड इसके अंदर आप एक बार में एक ही यूज़ कर सकते हो, मतलब अरे एंड अप करना ज़रूरी है। हाँ चलो, पहले इसे मार देते हैं मुक्को से। अच्छा चलो, कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसके अंदर एक और चीज़ है कि आपको एक बार में एक ही मिलेगा, मतलब आप पर मैच एक बार फेरोस की, पर मैच एक बार फेरोस की क्रेट की आप क्लेम कर सकते हो, और एक बार फेरोस क्रेट, मतलब ये आपको पर मैच एक ही मिलेगा, आप एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको
इसकी और चेयर्स की लोकेशन भी बताइए। तो वहाँ पे मैंने जब ट्राई किया तो मेरे को बस एक ही मिला, उससे ज़्यादा नहीं मिला, मतलब एक ही मिलेगा आपको एक मैच में। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जब आप कीज के लिए करें ना, फेरोस कीज के लिए आप सेलेक्ट करने के लिए इरेंगल खेले, तो आप ये जो इवेंट वाला ऑप्शन है ये हटा देना, आपको तभी वो चेयर्स मिलेंगी, मतलब तभी आप वो की कलेक्ट कर पाओगे वहाँ पे। तो आपको ये वाला ऑप्शन हटा देना जिससे कि आपको फेरोस की मिले, ये वाली फेरोस की के लिए आपको ऑप्शन हटा देना है मैच खेलने से पहले, ये वाला ऑप्शन हटा देना है इवेंट वाला, आपको तभी ये चेयर्स मिलेंगी। और फ्रेंड आपको मतलब पर मैच एक तो ये मिलेगी और एक ये मिलेगी, मतलब एक ही मिलेगी आपको, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगी, चाहे आप और चेयर्स के साथ जाके भी करोगे तो भी आपको एक ही मिलेगी। तो फ्रेंड जैसे ये है, आपको 9 चाहिए, 9 फेरोस की चाहिए और फेरोस के क्रेट भी आपको 9 चाहिए, तो आपको 9 मैचेस खेलने पड़ेंगे इसके लिए। सो फ्रेंड फिलहाल वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।